ये है वॉल मिक्सचर, ये है सील, इसे हम टेफ्लॉन टेप की जगह यूज करेंगे, और ये है की जो हमारी हेल्प करेगी वॉल मिक्सचर को इंस्टॉल करने में। और आज हम सीखेंगे कि PTMT ये वॉल मिक्सचर को कैसे इंस्टॉल किया जाता है इन चीजों की मदद से, बहुत ही ज्यादा आसानी से। लेट्स गो। हम स्टार्ट करेंगे सिलिकॉन सील को वॉल मिक्सचर की लेग पर प्लेस करके। हम टेफ्लॉन टेप की जगह सिलिकॉन सील यूज कर रहे हैं क्योंकि सिलिकॉन सील इज मोर एफिशिएंट, कॉस्ट लेस, इजी टू यूज एंड सेव्स टाइम। फिर हम रेंच की मदद से लेग को टाइट कर देंगे, और ये जो रेंच है स्पेशली डिजाइन किया गया है प्रोडक्ट को इजीली इंस्टॉल करने के लिए। इस रेंच में लेग एरिएटर और नट के लिए अलग अलग ऑप्शन है। फिर बाकी दो लेग भी टाइट कर देंगे। उसके बाद हम कैप लगा देंगे फॉर अ बेटर एस्थेटिक लुक, एंड देन वॉल मिक्सचर को लेग पर प्लेस करके टाइट कर देंगे। रेंच की मदद से ये प्रोसेस काफी ज्यादा स्मूथली हो गया है और काफी इजीली वॉल मिक्सचर को हम इंस्टॉल कर पा रहे हैं। रेंच की मदद से हम एरिएटर को भी इजीली रिमूव कर सकते हैं ताकि हम डस्ट क्लीन कर सके। अगर आपके वॉल मिक्सचर लीक कर रहा है तो भी आप ये वॉल मिक्सचर रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपको ग्रेविटी का वॉल मिक्सचर पसंद आ रहा है तो भी आप इसे इंस्टॉल करवा सकते हैं, और आपको इस डब्बे के साथ ये की भी मिलेगी ताकि आप इसको इजीली इंस्टॉल कर सके। बाय।